हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपको इस टाइप ऑफ रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो फॉर योर पेपर वन, जिसमें हमको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद दी टुडेज लेक्चर। तो देखिए, मैं आपको जल्दी से बता दूँ, आपका पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उस पर हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स देखने मिलते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। देन नोट्स है, देन उसके बाद पीडीएफ है जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ से ही आपको जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो देखिए, ये जो सारा कंटेंट है ये 100% पासिंग गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप हमारे ऐप का लोगो देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप पीएचडी करते हो, तो पेपर टू के लिए भी हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर टू के लिए। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रखा है जिसके लिए हम आपको पेपर टू के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following variables are present in experimental research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है, हम ये पहले देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमें बताती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप ना ही मैनिपुलेट करते हो ना ही आप चेंज कर सकते हो, बस डिपेंडेंट वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करते हो। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो बाकी सारे वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होता है, बट एक्सट्रेनियस वेरिएबल समटाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे वाटर एंड प्लांट ग्रोथ। तो इस केस में हम देखेंगे वाटर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज हम वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा करते हैं। हो सकता है हम कभी 1 लीटर प्लांट को वाटर दे रहे हैं, कभी हो सकता है हम 2 लीटर प्लांट को वाटर दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपका वाटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और प्लांट की ग्रोथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिकॉज आप प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हो। अब इस केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं। जैसे विंड हो गया आपका, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गए। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो सनलाइट, विंड, ये प्लांट की ग्रोथ में प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। सो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तीन वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in experimental research dash variable you manipulate in order to affect the outcome of an experiment। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं टू से इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ एक ही ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो और इस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और रिसर्चर इन वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रखता है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इन वेरिएबल्स को रिसर्चर कांस्टेंट रखता है, सो उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल को भी रिसर्चर एक्सपेरिमेंट में ना ही मैनिपुलेट करता है और ना ही चेंज करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ ऐसा वेरिएबल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, जिसको रिसर्चर चेंज करता है टू से इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल को और हम क्या कहते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेनली दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नेक्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो और जिसको आप चेंज करते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका इफेक्ट देखते हो क्या हो रहा है और रिस्पॉन्स देखते हो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो। इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं मैनिपुलेशन वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं ये फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको रिसर्चर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ओके, इसलिए कांस्टेंट वेरिएबल को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई अफेक्ट ना करे, डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म ना करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू नो अबाउट द टाइम टेकन बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स हु हैव स्लेप्ट 2, 4, 6 and 8 hours respectively to complete a homework. Which among the following is a dependent variable in this situation? इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये देखने के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दिया गया था और उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्लीपिंग आवर्स में स्लीप लिए हैं। सो इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करनी है। ओके, सो कैसा हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक है आपका स्लीपिंग आवर्स एंड दूसरा है आपका होमवर्क कंप्लीशन। तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल है स्लीपिंग आवर्स एंड होमवर्क कंप्लीशन। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपको क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है कि जो आपका स्लीप ड्यूरेशन है और स्लीप आवर्स है हर स्टूडेंट्स का अलग है हर स्टूडेंट्स ने अलग अलग टाइम पर स्लीप लिया होगा, अलग अलग आवर्स की स्लीप ली है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका स्लीपिंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और होमवर्क कंप्लीशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर टू सी इट्स इफेक्ट ऑन होमवर्क कंप्लीशन। सो यहाँ पर आपका स्लीपिंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, और होमवर्क कंप्लीशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होमवर्क, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है स्टूडेंट्स। इस केस में स्टूडेंट फैक्टर आपका कोई फैक्टर ही नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। स्टूडेंट्स इस केस में स्टूडेंट्स आपका कोई स्टडी का कोई वेरिएबल नहीं होगा या फिर कोई फैक्टर ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन बी टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एम ही होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करें बिटवीन द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी रैंडमाइजेशन इन ग्रुप सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपका उसको रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाटर है, वाटर की क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं सिर्फ प्लांट को 1 ही लीटर पानी डालूंगी, मैं प्लांट को कभी 2 लीटर पानी दे सकती हूँ, कभी 4 लीटर्स, कभी 5 लीटर्स, कभी 2.5 लीटर्स। हर बार मैं अलग अलग ले रही हूँ, रैंडमली मैं वाटर दे रही हूँ प्लांट को, मैं पहले से डिसाइड नहीं कर रही हूँ। इसलिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हो बल्कि ऑब्जर्व करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर द फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल वेरिएबल को हम क्या करते हैं। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए चेंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा वेरिएबल जिसको आप चेंज करते हो वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज करते हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ऐसा वेरिएबल जिसको आप ऑब्जर्व करते हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वो वेरिएबल होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हो। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, आप कंट्रोल वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑब्जर्व नहीं करते हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जो कंट्रोल वेरिएबल होता है आपका उसको आप कांस्टेंट रखते हो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डैश वेरिएबल इज नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो हमारे स्टडी का पर्पस तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। ओके, सो अब हम ये देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम लेंगे एग्जांपल मास्क एंड कोविड स्प्रेड। ओके, अब यहाँ पर आपका मास्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज आप मास्क को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे होंगे जो मास्क ज़्यादा पहनते हैं, कोई लोग ऐसे होंगे जो मास्क कम पहनते हैं। सो आप मास्क का इफेक्ट देख रहे हो कोविड स्प्रेड पर क्या हो रहा है, इसलिए कोविड स्प्रेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में आपके कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो इस केस में आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होंगे, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और होगा आपका मेडिसिन। सो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन ये फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो इस वेरिएबल को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आपको गिवन है रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम ही होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक ऐसा वेरिएबल होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, ना ही पर्पस होते हैं, बट फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक और फीचर गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो इस ऑप्शन में हमें गिवन है कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उन सबको कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है आपका ऑब्जर्व वेरिएबल जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं करते हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं और ऑब्जर्व डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं गिवन है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं गिवन है, और ऑप्शन ए और बी में आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in experimental research dash variables are used to explain relationships between the independent variable and dependent variable. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एक एग्जाम्पल है कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। स्मोकिंग का अफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, स्मोकिंग का हम अफेक्ट देखते हैं लंग्स पर क्या हो रहा है, इसलिए लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इस केस में होगा आपका टिश्यू डैमेज, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, इसीलिए तो आपको लंग कैंसर हो रहा है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए आपको लंग कैंसर होता है, इसलिए यहाँ पर टिश्यू डैमेज आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एज हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए आपको गिवन है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं रिसर्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर एज जो कि हमारा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, रिसर्चर्स को कंट्रोल करेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताए, उसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, A doctor studies the relative effectiveness of two drugs of dengue fever. His research would be classified as. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और इस एग्जाम्पल में ये गिवन है कि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को स्टडी करना है, दो ड्रग की इफेक्टिवनेस देखना है डेंगू फीवर पर क्या हो रही है। सो ये स्टडी को परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर किस रिसर्च का यूज करेगा, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पर दो ड्रग है और उस ड्रग का डॉक्टर को इफेक्टिवनेस देखना है डेंगू फीवर पर क्या हो रहा है। तो ये आपका दो ड्रग जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर ड्रग की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकता है, इसलिए ड्रग जो होगा आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ड्रग का इफेक्ट देख रहा है डेंगू फीवर पर, इसलिए डेंगू फीवर आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है, सो हो जाएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर डॉक्टर इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करेगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि कोई वेरिएबल्स के बीच में इफेक्टिवनेस और वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और कोई फेनोमेना को एक्सपांड करते हैं और कोई फेनोमेना के बारे में और जानते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हिस्टोरिकल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई भी वेरिएबल्स के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। So students, I hope the concept of experimental research is clear to everyone, and thank you for watching this session and good luck with your preparations.